मेंटल साइड ऑफ द गेम का इम्पोर्टेंस है वो तो सिर्फ एक हायर लेवल, एक स्टेट लेवल या एक रणजी ट्रॉफी लेवल पे ही बताई जाती है। आम क्रिकेटर्स को तो कोई ये बात बताता ही नहीं। हाय गाइस, मैंने पहले एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पे वीडियो बनाया था जिसपे उसके 5 एस्पेक्ट्स बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप यहाँ देख सकते हैं। एंड उसमें मैंने ये भी मेंशन किया था कि कंसिस्टेंटली आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो डाइविंग डीप इनटू दिस, आई हैव एन एक्सपर्ट हु विल बी गोइंग थ्रू इट, अबीर लवासा, जो मेरे फॉर्मर टीममेट हैं, एक सर्टिफाइड स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं, एक मेंटल ट्रेनर हैं, और हमारे बीच एक बहुत ही रैंडम कॉन्वर्सेशन हो रहा था। हमें ये रियलाइज हुआ कि जो मेंटल साइड ऑफ द गेम का इंपॉर्टेंस है वो तो सिर्फ हायर लेवल ऑफ क्रिकेट में ही बताया जाता है, जैसे नेशनल क्रिकेट अकेडमी, रणजी ट्रॉफी, इंटरनेशनल लेवल, यहाँ पे तो आपको सब बता देते हैं इसके बारे में। लेकिन जो लोअर लेवल है, जो अपकमिंग क्रिकेटर्स हैं जिनको ज़रूरी है ये सब बात बताना, उनके पास तो ये इन्फॉर्मेशन पहुँचता ही नहीं। तो इन वीडियोस के थ्रू हम ये इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचाना चाहते हैं कि कैसे आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव कर सकते हैं, मेंटल साइड ऑफ द गेम इम्प्रूव कर सकते हैं, और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है। So here's Abhi Lavasa for you. Thank you for having me on the cricket manual. हम जब भी क्रिकेट के बारे में या स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, वी ऑलवेज से मेंटल कितना है और फिजिकल कितना है, बट और हमेशा आंसर ये आता है कि 70% या 50% एंड हायर इज मेंटल एंड फिजिकल इज लेसर। बट हाउ मच टाइम आर वी एक्चुअली स्पेंडिंग ऑन आवर मेंटल ट्रेनिंग? सो टुडे वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड वेरियस वेज टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिफोर आई बिगिन, लेट मी टेल यू, mental toughness or sports psychology, it is not a substitute for skill. Skill या physical fitness का ये substitute नहीं है, ये इसको सिर्फ enhance कर सकता है, उसको ये complement करता है। Number two, it's a disclaimer, these are thumb rules that we are presenting to you. It will work for most people, but depending on your personality, you might have to make minor modifications. So now just let's get to the presentation that I've prepared. तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि क्या चीजें कॉन्फिडेंस किलर्स होती हैं, द थिंग्स वी शुड अवॉइड डूइंग। डोंट रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द गेम। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रिपेयर ना कीजिए, जरूर प्रेपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिग मैच प्रेपरेशन इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमें मैच का इंपॉर्टेंस सोच के अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है और अपने आप को अनड्यू प्रेशर में नहीं डालना है। सेकेंडली, ये मत सोचिए कि ये मैच आपके करियर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप किसी ट्रायल मैच में हो, कि इसको कहते हैं व्हाट इज एट स्टेक, ये सोच के दोबारा अपने आप को कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। थर्डली, डोंट फोकस ऑन द आउटकम, फोकस ऑन द प्रोसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइक राफेल नडाल सेज, प्ले द पॉइंट नॉट द स्कोर। अभी के बारे में सोचो, क्या हो चुका है या क्या होने वाला है उसके बारे में नहीं सोचो। चौथा पॉइंट ये है कि हमें अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करके इनसिक्योर नहीं फील होना। हम किसी और से कंपेयर करके डेफिनेटली इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन उससे अपनी एबिलिटीज पे डाउट नहीं करना कभी भी। हमारी कुछ खूबियां हैं, किसी और की कुछ और खूबियां हैं, हमें अपने स्ट्रेंथ्स पे ही फोकस करना है। एंड लास्टली, डोंट मिक्स विद पीपल हु ब्रिंग यू डाउन। ये हमारी लाइफ में टॉक्सिक लोग होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, जो हमारे ऊपर बिलीव नहीं करते, उनके साथ कम से कम हैंग आउट करो। हर एक के सर्कल में ऐसे कुछ ना कुछ लोग होंगे, अपने करियर पर्सपेक्टिव से उनसे कभी डिस्कशंस नहीं करनी। ये तो बात हुई कॉन्फिडेंस किलर्स की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस बिल्डर्स, दिस इज व्हाट दिस एंटायर सेशन इज अबाउट। तो सबसे बढ़िया तरीका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का है परफॉर्मेंस। तो अगर हमारी परफॉर्मेंस हो गई, आवर कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू बी स्काई हाई। बट इफ परफॉर्मेंस डजंट हैपन, what's the next best way to do it? The next best way to do undoubtedly is practice, more practice and even more practice. Agar koi bhi cheez aapko apni skill pe doubt hai, go back to the drawing board, talk to your coaches, go back to the nets and see ki aapki practice karne se aapko kitna aur confidence aayega. Kisi bhi skill mein aapko improvement chahiye, just do practice. So I'm not really counting that as one of the tips that I'm recommending for building confidence, but this is a sure shot way to build confidence. So now comes the really interesting part. Ye sara information generally hame sirf high level sports mein hi available hota hai, and this is the entire purpose of doing this session. Sports mein there's a concept of power postures. Power postures is nothing but body language and certain mannerisms jo hum apni
गेम में ला सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, जस्ट टू शो दैट वी बिलोंग हियर, वी आर कॉन्फिडेंट. अब ये चीजें भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है हमें. लुक एट दिस एग्जाम्पल, हुसैन बोल्ट, एवरी टाइम ही यूज्ड टू स्टेप ऑन द ट्रैक, इसके बॉडी लैंग्वेज से ही आरईटी ओपोनेंट्स हार मान जाते थे. अनदर ग्रेट एग्जाम्पल इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लुक एट हिम अगेन, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज, इसको पता है अपने ऊपर कितनी बिलीफ है, इसको पता है कि मैं यहाँ आया हूँ, सो आई एम अ फोर्स टू रेकन विद. सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इज पॉजिटिव थिंकिंग एंड सेल्फ टॉक. अगेन दिस कैन बी ट्रेन्ड, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी बॉडी कब आपको नेगेटिव सिग्नल्स दे रही है, तभी आप उनको रोको और चेक करो. डोंट से थिंग्स आर इम्पॉसिबल, से थिंग्स यस आई कैन डू और एटलीस्ट आई कैन ट्राई, डोंट से आई कांट डू अ सर्टेन थिंग. सो सेल्फ टॉक इज अबाउट पेप टॉक एंड कंट्रोलिंग योर थॉट्स विद पॉजिटिव फीलिंग्स, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. आपको इसकी भी बार बार ट्रेनिंग करनी पड़ेगी. ये चीज नेचुरली बहुत कम लोगों में आती है, बट डेफिनेटली कैन बी लर्न. सो वी कीप लिसनिंग अबाउट यार अपनी गलती से सीखो, सीखो अपनी गलती से यार, लेकिन कैसे सीखें? सो आई सजेस्ट अ सैक मॉडल विच इज सिचुएशन, एक्शन एंड करेक्शन. नाउ गो बैक, टेक अ पेन एंड पेपर, मेक अ लिस्ट ऑफ सर्टन सिचुएशंस, जो अलग अलग सिचुएशन आपने मैच में कभी फेस करी हो और उसने उस टाइम आपने कुछ गलत बिहेव करा हो जिससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, एंड एक्चुअली हमें कैसे बिहेव करना चाहिए था, इसका आप लिस्ट बनाओ. और जो करेक्टिव एक्शंस हैं उसको याद करो, एंड याद करके हमें जब हम नेक्स्ट टाइम मैच सिचुएशन में होंगे, लेट्स ट्राई एंड इम्प्लीमेंट दोज एंड सी वेदर दिस लीड्स टू बिल्डिंग आवर कॉन्फिडेंस और नॉट. सो अगेन अ हैवी वन, आपको अपना एक कॉन्फिडेंस परफॉर्मेंस बैंक बनाना है, जहां जहां आपने अलग सिचुएशन में अपनी टॉप 5 या टॉप 3 परफॉर्मेंसेस करी हो उसकी एक लिस्ट बनाओ और कीप गोइंग बैक टू दिस लिस्ट. कभी कभी हफ्ते में एक बार उस लिस्ट को पढ़ लिया, कभी दो हफ्ते में एक बार उस लिस्ट को पढ़ लिया, यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ, यू विल फील कॉन्फिडेंट, यू विल फील अ सेंस ऑफ अचीवमेंट कि हाँ मैंने ये चीज करी हुई है. तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ दिया है, अलग अलग कैटेगरीज, मैच परफॉर्मेंस, और फिर सोचिए उस दिन आपका बिहेवियर और आपकी प्रेपरेशन कैसी थी. ये आपके लर्निंग में और आगे इम्प्लीमेंटेशन में बहुत काम आएगा. फाइनल टिप ऑफ द डे इज टेक अ वीडियो ऑफ योर सेल्फ. आप अपने कोई भी एक्टिविटी जिसमें आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है ना, उसका आप अपना वीडियो ले लो. प्रैक्टिस सेशन का हो, चाहे वो किसी मैच में आपने वो चीज़ सही तरीके से करी हो, मैच क्लिपिंग भी हो सकती है, प्रैक्टिस क्लिपिंग भी हो सकती है, वॉच इट टाइम एंड अगेन. जब आप देखोगे तो आपको खुद अपनी एबिलिटी पे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा. आई विल लीव यू विद अ वीडियो विच ध्रुव यूज्ड टू वॉच बिफोर गोइंग टू बोल इन अ मैच. नाउ सिर्फ ये वीडियो देखने से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. दिस रिमेंबर, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज लाइक एनी अदर स्किल, इट कैन बी बिल्ड प्रोवाइडेड आप इस पे वर्क करें. सो प्लीज लीव योर कॉमेंट्स एंड एनी क्वेश्चन यू लाइक टू आस्क, आई लव टू रिप्लाई ऑन द कॉमेंट सेक्शन. ये मेरा हैट्रिक वीडियो है रणजी ट्रॉफी में यूपी के अगेंस्ट. सो ये एक एग्जाम्पल था, जैसे अगर मेरी बॉल स्विंग नहीं हो रही होती थी और मुझे अपने आप पे डाउट हो रहा होता तो मैं ये वीडियो देख लेता था कि यार ये नहीं, इट्स नॉट दैट आई कांट डू इट, इट्स जस्ट दैट राइट नाउ इट्स नॉट हैपनिंग. तो मैं उसको देख के अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाता था. थैंक्स अबीर, आई थॉट देयर वाज जस्ट ब्रिलियंट इनसाइट्स ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस. एंड जैसे कि अबीर ने बोला कि आप कॉमेंट करिए अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, वी लव टू आंसर. एंड ऑल्सो कॉमेंट कि आपका कोई रिकमेंडेशन है जो आप चीज़ इम्प्रूव करना चाहते हैं, बिकॉज हमारा मेन मकसद है कि आपका गेम इम्प्रूव हो, आप एक हायर लेवल पर पहुंचे, आप इंडिया खेलें. And that is the whole purpose of making these videos. उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिली है. मेंटल साइड ऑफ द गेम पे और भी वीडियोज हैं, फोकस, विजुअलाइजेशन जो आप यहाँ देख सकते हैं. एंड इफ यू वॉन्ट टू बी द फर्स्ट पर्सन टू नो अबाउट माई वीडियोज, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल द क्रिकेट मैनुअल. टिल द नेक्स्ट वीडियो, सी यू सून.